ये कश्मीर में ये नसरल्ला को हीरो बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है और इसमें बच्चों से नारे क्यों लगवाए जा रहे हैं? देखिए, कश्मीर में आज भी एक ऐसा ऐसी पॉपुलेशन सेगमेंट है जो प्रो सेपरेटिस्ट है, प्रो टेररिस्ट है, प्रो पाकिस्तान है, प्रो जिहाद, और ये एक लार्ज सेगमेंट है। और क्योंकि अब ये और एज भी अब वो वोटेबल एज आ गई है, तो कहीं ना कहीं निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि इनको लुभाया जाए। और जो सख्ती सरकार ने पिछले 6 साल में करी है, ऐसे ऐसे अवसर ढूंढे जाए जिसमें इनको एड्रेस किया जाए। तो ये जो नसरुल्लाह की किलिंग हुई है, एक आतंकवादी की किलिंग हुई है, इसको लेकर शोक मनाना कश्मीर में कोई नई बात नहीं। आतंकवादियों को हीरो बनाना कश्मीर के इतिहास में, पॉलिटिशियन के इतिहास में बहुत पुराना रहा है, चाहे वो मकबूल भट रहा हो, चाहे अफजल गुरु रहा हो, चाहे जाकिर मूसा रहा हो, चाहे बुरहान वानी रहा हो, और यासिन मलिक। ये बड़ी पुरानी ये रही है। अनफॉर्चुनेट है कि कश्मीर के पॉलिटिशियंस आज भी डेवलपमेंट की बात नहीं करते, आज भी बिजली की बात नहीं करते, आज भी पानी की बात नहीं करते, आज वो बात करते आतंकवाद की, आतंकवाद की, और आतंकवाद की। और जहां पे इनको मौका मिले, ये उस आतंकवादी को हीरो बनाने में कोई कसर नहीं। तनवीर अहमद तंत्री, ये बताइए कि नसरुल्लाह को लेकर के इतनी हमदर्दी, मातम, सड़कों पर नारेबाजी, हीरो है क्या वो? नहीं, आपके आपके दिलों में भी जो नफरत है वो भी हमें दिखाई दे रही है। हमारे दिल का प्यार तो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके दिलों में जो नफरत है मुसलमानों के प्रति वो भी हमें बखूबी दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, नसरल्लाह नसरल्लाह को लेकर के नारेबाजी आप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत। यहाँ तो नफरत की बात ही नहीं हुई, आपके अंदर से, आपके जहन से निकल रही है वो सारी बातें, आपके जहन से निकल रही है। बुरहान वानी आपका हीरो, ओसामा बिन लादेन आपका हीरो, अजहर मसूद आपका हीरो, हाफिज सईद आपका हीरो। अभी मैं आपकी ही बात कर रहा हूं, जब आप बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, अभी बांग्लादेश पर मत जाइए, अभी बांग्लादेश पर मत जाइए तनवीर साहब, तनवीर साहब बांग्लादेश पर अभी मत जाइए, बांग्लादेश पर मत जाइए। हसन नसरल्लाह पर रहिए, हसन नसरल्लाह, कितने कंट्रीज ने उसको आतंकवादी संगठन माना है, अरब लीग ने मान रखा है, अरब लीग ने मान रखा है। आप जो इस्लाम और मुस्लिम से जोड़ रहे हैं ना सर, प्लीज बंद कीजिए, बंद कीजिए। नहीं नहीं, एक आतंकी का महिमा मंडन मत कीजिए। आप ये जो नफरत फैला रहे हैं, हम नहीं जोड़ रहे हैं। वाह वाह, ललित अंबरदार सर, मतलब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर के आपके मन में कितनी नफरत है ये पता चल रही है। ये नसरल्लाह को, ये ओसामा बिन लादेन को हीरो बना करके कांधे पर उठा करके घुमाते रहे और कोई इनसे कुछ ना बोले। ललित अंबरदार सर, देखिए, कश्मीर जैसे कश्मीर के संदर्भ में ये नई बात नहीं है, लेकिन मैं पूरे भारत के संदर्भ में बताना चाहता हूँ। ये लोग जो अपने आप को बताते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन कंडीशनल इंडियंस हैं, इनकी जो एफिलिएशन है, इनकी जो वफादारी है, पैन इस्लामिक सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है उम्मा के साथ। आज कश्मीर के अंदर उन्होंने बोला है, हम दुनिया उम्मा, मुस्लिम उम्मा को दिखाना चाहते हैं, अगर आप तुम एक को मारोगे हम 100 पैदा हो जाएंगे, यानी एक नसरुल्लाह मारोगे तो हम 100 पैदा हो जाएंगे, जिसमें वो अपने आप को भी गिनते हैं। तो आपको ये हैरानगी नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, हम कश्मीर के हवाले से, हम कश्मीर में एक जीते जागते बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि ओसामा बिन लादेन का ये जनाज़ा जुम्मा फातिया श्रीनगर के अंदर पड़ा गया था, और ये सब लोग उसके हिस्सेदार हैं। और ये आप कह रहे हैं कि आप, मुझे लगता है कि आप इनके चेहरे से, मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में, प्लीज उनको डाउनग्रेड मत कीजिए, हिंदुओं की बेइज्जती मत कीजिए, क्योंकि इनकी नाक तले, इनके आंगन के अंदर कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, आज तक इनकी आंखों से आंसू नहीं आए। और जिन जहादी रेपिस मर्डर मास मर्डर जिन्होंने इस्लाम के नाम पर, यहां का चलेगा निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, ये कहते हुए रेप मर्डर और मास मर्डर के द्वारा कश्मीरी हिंदू को वहां से निकाल दिया, उनके खिलाफ इनकी आवाज नहीं निकलती। आज यासीन मलिक को फांसी देंगे ना तो इनके रोने उठेंगे। वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो पूरे भारत में मुसलमानों की दाढ़ियां नोची जा रही है, वो आपको नसरुल्लाह की दाढ़ी तो नोचनी चाहिए, तुम जैसे नसरुल्लाह की तो दाढ़ी नोचनी चाहिए, नसरुल्लाह जैसे को तो कब्र में ही जाना चाहिए, कब्र में क्या, जैसे ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन को जैसे किया था ना, जीते जागते समुद्र में खूंखार आतंकवाद मछलियों के आगे जाड़ दिया था ना, वैसे ही जहादियों को जाना चाहिए, दुनिया भर में जहादियों को वही जाना चाहिए।
दुनिया भर में जितने जहादी हैं उनको उनको आदमखोर मछलियों के हवाले करना देना चाहिए समंदर में, जैसे ओसामा बिन लादेन को किया था। आप उनके लिए माता बनाइए क्योंकि आप पैदा हुए इसलिए। नफरत जो है ना, आप रेप करो, आप हिंदू का रेप करो, आप हिंदू का मर्डर कर दो, आप हिंदू का रेप कर दो, आप कर रहे हो। आपका उनके साथ रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है, हिंदुस्तान में नहीं चलेगा ये। किसी भी सुन्नी मुसलमान मुल्क में उसके लिए माता नहीं मनाया जा रहा है। आप कितने तकलीफ हो रही है किसी भी अरब मुल्क के अंदर, किसी भी सुन्नी मुल्क में, किसी भी सुन्नी मुल्क में इस जहादी के लिए कोई रो नहीं रहा है, सिर्फ तुम रो रहे हो बैठ के। ये जिगर भक्ति है और ये धमकियां कहीं हमारा नहीं है। अरे तू, अरे नहीं 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 नहीं, अरे बाबर के औलादे और जो ये उसामा बिन लादेन के औलादे के हिंदुस्तान ही है। मैं दीपक वोरा सर आपके पास आ रहा हूँ। दीपक वोरा सर मतलब नसरुल्लाह मारा गया, इसको लेकर के इन पार्टियों में, इन नेताओं में इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों? सड़कों पर उतर रहे हैं, शहीद बता रहे हैं, हीरो बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, क्यों सर? आभारी हूं कि आपने ये शानदार मुझे मौका दिया आपके चैनल पर आने का, और आपका प्रोग्राम तो दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। सर मैं शुरुआत करता हूं जो मैं कहने जा रहा हूं एक शब्द के साथ, शालोम, जिसका मतलब होता है शांति। इसराइल जिसको आप लोग कहते हैं कि बहुत अग्रेसिव देश है, वहां की ग्रीटिंग है शांति। और आज सर करोड़ों लोगों की तरफ से जो इस दुनिया में जीते हैं, मैं इसराइल को कहना चाहता हूँ तोडा। तोडा का मतलब होता है, मैं यिडिश बोलता हूँ सर, हिब्रू, क्योंकि 20 साल मैंने वहाँ नौकरी की है। उसका मतलब होता है धन्यवाद, क्यों आपने इस 200 किलो के सांड को हटा दिया है जिसने कहाँ कहाँ आतंक फैला रखा था, इराक में, यमन में, लेबनन में, जॉर्डन में, बहुत जगह। तो मेरा ये मानना है सर, डोमेस्टिक इशू पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, हमारी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन इसको जो हटा दिया है रास्ते से सर, इन्होंने पूरी दुनिया पे एक फेवर किया है, क्योंकि अब शांति उस एरिया में मेरा मानना है बढ़ेगी, क्योंकि जो इस समय हो रहा है सर मिडिल ईस्ट में वो है न्यूक्लियर वॉर विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स। और अब अगला कदम होगा, क्योंकि लेबनन से इसराइल पर हमला हुआ है, इसराइली मिलिट्री जाएगी, 100 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाएगा और लेबनन बेचारा मारा जा रहा है। देखिए सर, किसने सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग मानी? ईरान ने। अरे हमला तो लेबनन में हुआ है, मारा उसको बेरूत में, आप कौन है चाचा उनके कि वहां जाके आप कह रहे हैं कि हम मीटिंग करना चाहते हैं? ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, 57 मेंबर कंट्रीज हैं। सर मैंने काम किया है उनके साथ, मेरा मानना है कि 10 से ज्यादा आंसू नहीं बहाएंगे कि ये व्यक्ति चला गया है, क्योंकि इसराइल फंसा हुआ है, ईरान भी सराउंडेड बाय सुन्नी अरब स्टेट्स। ईरान कहना चाहता है कि मैं इस्लाम का पहरेदार हूं, ये बाकी उसको नहीं कहने देंगे, यहां तक कि सऊदी जो एक्चुअली गार्डियन ऑफ द टू मॉस्क्स है, उसने कुछ नहीं कहा, उसने आलोचना नहीं की, उसने अरब लीग ने तो खुद से आतंकी संगठन मान रखा है, अरब लीग ने 2016 से मान रखा है। यहां पर तो ये कहना कि ये जिहादी था और ये है और वो है, ये सब गलत है सर। ये आतंकी था और एक आतंकी को इसराइल ने मार गिरा। फाइनली सर, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। इसराइल की जो तालमुड है, उनकी जो होली बुक है, जैसे कुरान होती है, भगवत गीता या गुरु ग्रंथ साहब, उसमें एक फ्रेज है सर, राइज एंड किल फर्स्ट। इसका मतलब अगर वो आप पे हमला करने आ रहा है, उठो और पहले उसको मार डालो। सो थैंक यू इसराइल, आपने एक आतंकी का खात्मा कर दिया है। सीन